आज न्याय खाए के साथ छठ पर्व शुरू हो चुका है और आज 28 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को छठ व्रती स्नान के बाद भोजन करेंगे और आज से ही व्रत के नियम लागू हो जाएंगे, जिसमें व्रती अपने परिवार के लोग पूर्ण साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और सात्विक भोजन ही करेंगे। वहीं 29 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को खरना होगा, जिसमें एक समय ही व्रती लोग विशेष भोजन करते हैं और परिवार के लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहीं इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में व्रती को 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना पड़ता है। छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती लोग डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देते हैं और चौथे दिन उगते हुए सूरज को व्रत देने के बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। तो आइए जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी कुछ विशेष बातें। न्याय खाए। छठ पूजा की शुरुआत न्याय खाए के साथ होती है। आज के दिन व्रती लोग पवित्र स्नान करते हैं। आज न्याय खाए के दिन व्रती लोग एक ही समय भोजन करेंगे। वहीं महिलाएं आज के दिन घर की साफ सफाई करेंगी तथा घर में लौकी कद्दू की सब्जी बनाई जाएगी। आज के भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। न्याय खाए के दिन व्रती लोग प्रसाद का सेवन करते हैं और उसके बाद प्रसाद परिवार के लोगों को दिया जाता है। न्याय खाए शुभ योग। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:33 तक ये मुहूर्त रहेगा। अमृतकाल 12:53 से 2:22 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:57 से 5:45 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:37 से 10:42 तक रहेगा। रवि योग सुबह 10:42 से 6:37 तक रहेगा। खरना। खरने के दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है और इसे ही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। वहीं इस बार खरना 29 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। वहीं प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। खरना का शुभ योग अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:33 तक। अमृतकाल सुबह 1:33 से 3:02 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 तक। पहला अर्ध। छठ पूजा के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्ध दिया जाता है और इस दिन को छठ पूजा का बेहद ही खास दिन माना जाता है। वहीं 30 अक्टूबर 2022 को छठ पूजा का तीसरा दिन है और इसी दिन शाम 5:34 डूबते हुए सूरज को अर्ध दिया जाएगा। दूसरा अर्ध। छठ पूजा के अंतिम दिन उगते हुए सूरज को अर्ध देने के साथ ही छठ पर्व संपन्न हो जाता है। इस दौरान सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। वहीं 31 अक्टूबर 2022 को उगते हुए सूर्य को अर्ध दिया जाता है। वहीं छठ पूजा के चौथे दिन सूर्य देव यानी उगते हुए सूर्य को अर्ध देने के समय सुबह 6:27 हैं। कहा जाता है कि छठ पूजा का व्रत पौराणिक काल में माता सीता और महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने भी किया था और तभी से इस महान पर्व की शुरुआत हुई थी। वहीं कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ की पटरानी और पांडवों की पत्नी ने भी छठ व्रत किया था।